इस तस्वीर को फ्रेम करवा लीजिए। इस तस्वीर को इस देश के हर गली चौराहे पर टंगवा दीजिए और इस तस्वीर को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लगवा दीजिए, ताकि सनद रहे कि कैसे तानाशाही की कीलों को इस लोकतंत्र की रियाया ने अपने कदमों तले रौंद डाला था। गाजीपुर बॉर्डर से आई ये तस्वीर इस बात का सबूत देती है कि देशवासियों के जज्बे के सामने कैसे जुल्मतों के दौर में लोहा भी पिघल गया था। देश के अन्नदाता की कीलबंदी कर मोदी सरकार ने जो सख्ती दिखाई थी, ऐसा लगता है कि उससे किसानों के हौसले डिगे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने लोहे की उन मोटी मोटी कीलों को ही मोड़कर जमींदोज कर दिया जो किसानों के पैरों में घुसने के लिए बेकरार थी। एक वीडियो में कुछ किसान इस बात का मखौल उड़ाते भी दिखे। झिंदी के पैर तो बड़े सख्त होने ने, उन्हें मोड़ छड़ने ने। फेसबुक पर प्रफुल्ल भलेराम ने जानकारी दी कि टीकरी बॉर्डर पर सरकार ने पानी की सप्लाई रोकी तो किसानों ने धरती का सीना चीर कर पानी निकाल लिया। किसानों ने बोरिंग की और ट्यूबवेल लगा लिया। सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों ने साफ पानी के लिए आरओ मशीन लगा ली है। अब बताओ इस जज्बे को भला कैसे रोकोगे? अपने हक के लिए महीनों से सड़कों पर बैठे किसानों को अब घेर कर, दाना पानी रोक कर, टॉयलेट सुविधा छीन कर, सब्जी दूध की सप्लाई रोक कर, इंटरनेट बंद करके अंदर ही अंदर परेशान करने की रणनीति बनाई जा रही है। पुलिस और अर्धसैनिक बल ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे मानो भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच जंग छिड़ी हो। स्टील की लाठियां बनाई जा रही हैं, लेकिन शायद लाठियां थामने वालों ने पाश की वो कविता नहीं सुनी होगी। मैं तो घास हूं, तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा।